High five. High five. Hi everyone, namaskar, salam, sat sri akal, welcome back to Deep Soul in One channel. I hope you all are doing really well. It is mid-morning around 11:30 aur mera subah ka sara kaam ho gaya hai aur bas Evie ko bhi abhi maine acche se uske haath munh dhul ke aur usko ready kar diya hai. Kal sham ye dono behne pool mein kaafi der tak khel rahi thi to sham ko hi shower ho gaya tha. एक्चुअली टेम्परेचर बहुत अच्छा था और कभी कभी यहाँ पे मौका मिलता है कि इस तरह से पूल में बच्चे खेल लें. तो यस, शाम को शावर हो गया था तो इसीलिए बस सुबह को मैंने ईवी का शावर जो है वो स्किप कर दिया और बस ऐसे ही उसकी ड्राई क्लीन कर दी. और अभी उसके फेस के ऊपर मैं क्रीम लगा रही थी और उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि उसके फेस पे कुछ लगाया जाए या फिर उसके बालों में कुछ लगाया जाए. इतनी प्यारी प्यारी हेयर एक्सेसरीज मैंने उसकी ली हुई हैं बट ना कोई क्लिप लगाने देती है, ना पोनी करने देती है, ना हेयर बैंड लगाती है, नथिंग, ऐसे ही रहती है. अदवी लगवा लेती थी बट ये मैडम बिल्कुल भी नहीं लगवाती हैं. इवन दो कॉम्ब कराने में भी कई बार बहुत परेशान करती है. अगर हेयर ब्रश जो फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर ये यूज़ करती हूँ तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अगर कॉम्ब लूँ तो नहीं, उसको पकड़ के ही बैठना होता है, उसको बालों में नहीं लगवाना होता है. खैर, बच्चों की मर्जी है, क्या करें, अभी वो एज है जब हमें इनके हिसाब से चलना है और आगे चल के फिर ये थोड़ा सा हमारे हिसाब से चलेंगे और फिर एक एज आएगी जब हम दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलेंगे. खैर, विकास आए थे अपने कॉफ़ी ब्रेक के लिए और मैंने उनसे कहा कि मैं फटाफट कपड़े फैला दूँ क्योंकि लॉन्ड्री का जो लोड है वो कम्प्लीट हो गया था. और ईवी को अगर मैं बाहर लेकर आती हूँ ना कपड़े फैलाने के लिए तो जो काम मेरा 10 मिनट में होना होता है उसमें मुझे आधा घंटा लग जाता है क्योंकि वो कभी जाके किसी प्लांट को छेड़ेगी, कभी पत्थर उठा के फेंक देगी, कभी स्टेयर पे जाना शुरू कर देगी, तो मैं आधा टाइम उसको ही पकड़ती रहती हूँ. तो बस यहाँ पर जो कपड़े हैं वो मैं सारे के सारे अच्छे से फैला दूँगी और धूप निकलती है ना कपड़ों का काम एक ही दिन में सिमट जाता है. अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक कमेंट आया था कि आपने घर के बाहर जो है वो प्लास्टर नहीं कराया है. तो यहाँ पे घर इसी तरह के होते हैं मोस्टली. आप हमारे पड़ोसियों का घर भी देख लें, हमारे से नेक्स्ट वाले, उनसे नेक्स्ट वाले, तो इसी तरह का पैटर्न है घरों पे. कुछ लोग जो है वो दाना लगवा लेते हैं तो मोस्टली इसी तरह के होते हैं. बाकी आप चाहे तो करा सकते हैं बट अभी हमें अंदर ही घर के इतने काम हैं कि बाहर अभी कुछ कराने का हमारा मौका लगा नहीं और ना ही हमारा अभी बजट है. बाकी ये कुछ ऐसा नहीं है, कुछ अलग सी चीज़ है. यहाँ पे घर इसी तरह के होते हैं, ब्रिक वॉल ही होती है और सभी के ऐसे होते हैं तो कुछ अटपटे नहीं लगते हैं. तो विकास थोड़ी देर के लिए और रुक गए थे और ईवी उन्हीं के पास है और मैं फटाफट यहाँ पे लंच भी बना दूंगी और लंच जो है बहुत ही क्विकली बनने वाला है. कुछ भी मुझे इसमें रोस्ट वगैरह नहीं करना है, सिर्फ मसाले डालने हैं. तो साबुत मसूर की जो दाल होती है ना ब्राउन वाली, वो मैं बनाने वाली हूँ. थोड़े से बस इसमें खड़े मसाले जाते हैं और बहुत ही टेस्टी ये वाली दाल लगती है और इसके अंदर खटाई ऐड की जाती है. वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं बट मैं बिल्कुल मम्मी के हिसाब से बनाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी बनती है. तो चलिए बस फटाफट साबुत मसूर की दाल और चावल, बिल्कुल देसी सेटिस्फाइंग लंच अपना बना के तैयार कर लेते हैं. तो यू नो, बच्चों के साथ ना इसी तरह से होता है कि बस फटाफट काम निपटा लो जब कोई बच्चों को देखे और फिर जाके हमें बच्चों को देखना पड़ता है.
माओ का यही रूटीन होता है। तो प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने हींग ऐड किया है, उसके बाद जीरा डाला है, उसके बाद तेज पत्ता ऐड कर दिया है, बड़ी इलायची काले वाली जो होती है वो ऐड करी है, साथ ही मैंने इसमें हल्दी, धनिया और रेड चिली पाउडर, और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें जिंजर गार्लिक की जो क्यूब होती है वो ऐड कर दी। आप चाहें तो फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं, किसी चीज़ को ऐसा पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था जिससे मसाले ना जलें, और उसके बाद फिर मैंने दाल ऐड कर दी है। 3 लड्डू भर की ये दाल है, और इसमें मैं 2.25 कप के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। इस वाले प्रेशर कुकर में पानी जो है वो कम जाता है। और खटाई के लिए मैं इसमें आम का अचार ऐड कर रही हूँ। अगर आप अमचूर या फिर नींबू ऐड करना चाहें तो जब दाल आपकी अच्छे से कुक हो जाए तो उसके बाद आप डालें, अदरवाइज हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, अचार से ये बिल्कुल सही रहती है। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से, और ये दाल जो है इसको सोक भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस ये कि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आप इसको सोक कर देंगे तो फिर इसका छिलका उतर जाएगा। और ये मेरा जो प्रेशर कुकर है इसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस बार मैंने ये इंडिया से लिया था एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्ट। और बस साथ ही मैंने राइस भी यहाँ पे बिठा दिए, राइस मैंने अच्छे से सोक कर रहे हैं लगभग आधे घंटे के लिए, और केटल में पानी बॉईल कर लिया था, और बस यहाँ पे राइस भी चढ़ गए हैं, साथ यहाँ पे मैं रायते की भी तैयारी कर लूँगी। तो क्विकली हमारा लंच रेडी हो गया है, और अब बस ईवी मैडम का जो है वो स्लीपिंग टाइम है। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी, अभी तक भी उसका जो नींद का पैटर्न है वो इतना फिक्स नहीं है, और ऐसा नहीं है कि रात को वो पूरा स्ट्रेच में सो जाती है, रात को अभी भी वो उठती है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उठ जाती है, और परेशानी भी होती है, बट वही है कि शी इज़ नॉट ए गुड स्लीपर। तो आज सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी, तो अब बस जल्दी ही ये सो जाएगी, तो थोड़ी देर इसको गोद में लेके घूमना पड़ता है, उसके बाद मैडम हमारी सो जाती है। तो ईवी को मैंने सुला दिया है, लंच मेरा रेडी है, और थोड़ा सा टाइम मेरे पास था तो सोचा कि चलो अदवी करूँ, थोड़ा सा सही करते हैं। एक्चुअली ईवी और अदवी जो है वो यहीं पर खेलते हैं ना, तो कई बार ईवी उसके रूम से सामान उठा के इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है, तो उसकी रीच से थोड़ी चीज़ें ऊपर रखनी है। तो ये अदवी का एक फ़ोटो फ्रेम है जो मैंने 3 टायर रैक के ऊपर रखा हुआ था, और ईवी जो है ना इसको उठा के कभी कहीं चल देती थी, एक बार गिरा भी दिया था, तो लगता है कि कहीं कांच ना टूट जाए, उसके भी हाथ में ना लग जाए। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फोटो फ्रेम हैंग कर दिया है, और बहुत ही अच्छी है कि ये सिमेट्री सी बन गई है, पहले बड़ा फ्रेम है फिर छोटा है और उसके बाद फिर छोटा, तो बहुत प्रिटी लगा। साथ ही एक ये ए साइन है, और इसमें वैसे तो नेल्स लगा के भी आप इसको हैंग कर सकते हैं, बट मैं इसमें ये नैनो टेप जो होती है ना ये मैं लगा रही हूँ, डबल साइडेड टेप है, और इसको फिर मैं पेस्ट कर दूंगी। ये भी 3 टायर रैक में ही रखा हुआ था, और अगेन ईवी मैडम इसको भी जो है वो उठा के भाग लेती थी। तो जो टेप है वो मैंने चारों तरफ इसमें लगा दी है, और उसके बाद जो ऊपर वाली होती है ना इसकी एक शीट सी ट्रांसपेरेंट वो मैंने हटा दी है, और ये बहुत अच्छे से होल्ड करती है, और इस दरवाजे के ऊपर मैंने ये ए लगा दिया है। फिलहाल ये रूम अदवी का है, और 1-2 साल के बाद जब ईवी को भी अपने रूम की जरूरत होगी तो अदवी और अवनी दोनों ही इस रूम को शेयर करेंगे। ईवी का जो रियल नेम है वो अवनिका है, और वैसे अवनी भी बोल देते हैं और ईवी भी बोलते हैं, तो ए दोनों का ही इनिशियल हो गया, तो दोनों के रूम के लाइक के लिए ये काम करेगा। तो यस, ए जो है वो मैंने दरवाजे पे चिपका दिया है, और यहाँ पे एक शेल्फ मेरे पास रखी हुई थी, वैसे तो ड्रिल करके आपको इसे लगाना चाहिए, ड्रिल करके पेच लगते हैं, लेकिन मेरे पास मोटे वाली कील थी तो मैंने वो लगा दी है। और ये 2 छोटे छोटे ऑर्नामेंट हैं जो फिर ईवी का टारगेट थे, इनको मैंने इस तरह से ऊपर रख दिया है, और ये वाली जो शेल्फ है ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही थी दीवार के साथ। साथ ही एक ये प्लांट है, और ये मैंने विंडो में रखा हुआ था, पाम ट्री छोटा सा, वैसे तो काफ़ी ग्रो हो गया है लेकिन शायद इसको विंडो पसंद नहीं आ रही थी, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, और इसके जो पत्ते हैं वो कुछ ब्राउन होने लगे थे, तो मैंने जगह चेंज करी है। तो जो प्लांट होते हैं ना ये भी बहुत मूडी होते हैं, और इनके मूड को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो कई बार जगह चेंज करके ये ग्रो करते हैं, कई बार ये ग्रो होना बंद कर देते हैं,
यस, देखते रहना पड़ता है। इसके साथ ही ये जो अदबी के बेड साइड ड्रॉर है ना, इसमें एक का जो ये था, आई डोंट नो, इसको हुक, ये टूटा हुआ था। तो फिर मुझे लगा कि एक अलग से लगाने से बेटर है मैं तीनों ही चेंज कर देती हूँ। तो तीनों मैंने यहाँ पे ये लगा दिए हैं और अच्छे लग रहे हैं, सिमेट्रिकल लग रहे हैं। पाउंडलैंड से मैं लेकर आई थी, आई थिंक मैंने किसी हॉल में आपके साथ शेयर भी किया था, तो उसकी ड्रॉर भी सारी सेट हो गई। तो बहुत ही छोटा छोटा काम था ये अदबी के रूम का जो मुझे करना था, और फाइनली आज ये हो गया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और जो चीज़ें हैं वो अब हमारी ईवी अवनी मैडम से सेफ भी हो गई हैं। तो ये थ्री टायर रैक है, इसमें ऊपर देखिए ये प्लांट येलो येलो सा भी हो रहा है ना, तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे ये चलता है क्या। आई थिंक धूप काफ़ी ज़्यादा रही है पिछले कुछ दिनों में, तो शायद इसको धूप जो है वो इतनी पसंद नहीं आई है। और इधर जो ये शेल्फ है ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी, और विंडो जो है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गई है, बस यहाँ पे अद्वी के ये घोड़े रखे हुए हैं। शी इज हॉर्स लवर, और एक ही हॉर्स, इसको तो कंबल चंबल उड़ा के यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, तो बस हर टाइम उसमें ही रहती है। और ये है मेरे टूल्स, औजार ये सारे काम करने के, और ये मैं दिखा रही थी। हाँ, नोब्स इनको बोलते हैं, मैं बोल रही थी ना हुक्स, नोब्स बोलते हैं इनको। कई बार शब्द जो है ना वो दिमाग से निकल जाते हैं। और यस, और ये है नैनो टेप, ये मैंने टीमू से ऑर्डर करी है और बहुत अच्छा इसने काम किया है। बस अब मैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा यूट्यूब रिलेटेड वर्क करूँगी। आज मेरा ऑफिस वाला नहीं है, मैं हफ्ते में 3 ही दिन काम करती हूँ वैसे तो, बट वही है कि यूट्यूब का काम रहता ही है। और नॉर्मली वीडियो भी मैं उसी दिन रिकॉर्ड करती हूँ जिस दिन मैं वर्किंग नहीं होती हूँ, अदरवाइज फिर बहुत हैक्टिक भी हो जाता है कि कैमरा यहाँ सेट करो वहाँ सेट करो, क्योंकि जल्दी होती है कि काम फटाफट निपटा लो। तो बहुत रेयरली ही ऐसा होता है कि जिस दिन ऑफिस होता है उस दिन मैं कुछ रिकॉर्ड करती हूँ, तो फिर वो हड़बड़ी में फिर अच्छी वीडियो नहीं बन पाती है। बट ये है कि जिस दिन वो काम नहीं होता उस दिन यूट्यूब का काम होता है, तो काम तो एवरी डे होता ही होता है। और यहाँ पे हमारा लंच सर्व कर दिया है। अदवी जब स्कूल से आती है हम लोग ऑलमोस्ट तभी खाना खाते हैं, तो यहाँ पे है ये भुने जीरे वाला रायता, साबुत मसूर की दाल। और लंच करने के बाद लगभग अब 5 साढ़े 5 का टाइम होगा, और ये देखिए ब्रेकफास्ट बार पे पूरा खिलारा पड़ा हुआ है। जितने जार मैंने वॉश करे थे क्योंकि पेंट्री स्टॉक करनी है, और कुछ एक सामान मैं लिडल से लेकर आई थी वो भी ब्रेकफास्ट बार पे ही रखा है। साथ ही कपड़े जो हैं वो सारे अच्छे से सूख गए थे, मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं ये, इनको बस इनकी जगह पे जमा दूंगी और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाना शुरू करूंगी। तो डिनर से पहले जो सामान लिडल से लेकर आए थे वो मैं खोल देती हूँ, और मुझे थोड़ा सा ये क्लीन भी करना है। तो एक तो मैं ये कोलेंडर लेकर आई थी, इस तरह का कोलेंडर मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। आइकिया पे भी मिलता है ये वाला, लेकिन आइकिया पे ये एक्सपेंसिव था और लिडल पे आई थिंक ये 4.99 का था। आइकिया पे आई थिंक ये 8 पाउंड समथिंग का था, आई एम नॉट 100% श्योर, बट हाँ प्राइस में काफ़ी डिफरेंस था। क्वालिटी मुझे सही लगी तो फिर मैं ये ले आई। और साथ ही मैं एक ये चॉपर लेकर आई हूँ, मेरे पास मैनुअल चॉपर था, डेली का काम वो बहुत अच्छे से कर रहा था, बट उसका ब्लेड तो मैं उठा के ऊपर रखती थी कि कभी अपनी जो है वो हाथ ना लगा दे, लेकिन उसका जार और लिड नीचे ही रखा हुआ था, तो उसने उठाया और गार्डन का जो है वो दरवाजा खुला हुआ था, और उसने ऐसा दे के मारा ना वो कि उसमें इतनी सारी दरारें आ गई हैं कि अब वो ढंग से काम नहीं करता, उसकी लिड अच्छे से फिक्स नहीं होती तो फिर वो ब्लेड भी काम नहीं करता। तो मुझे यही था कि मैनुअल चॉपर लेना है, बट जब हम लिडल गए तो विकास ने कहा कि ये इलेक्ट्रिक वाला ही ले लो, इसमें काफ़ी सारी और अटैचमेंट भी हैं। तो मुझे लगा और भी बढ़िया है, हाथ का काम थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और जो मैनुअल चॉपर मेरे पास था ना वो मैंने मॉरिसन से लिया था, वो भी अराउंड 8 पाउंड का था, और ये लिडल पे हमको कुछ 14 पाउंड का ये वाला ब्लेंडर मिल गया। इसमें विस्कर की भी अटैचमेंट है और इसका हैंड ब्लेंडर भी है इसमें, और साथ ही एक मिनी जार भी दिया हुआ है जिसमें बाकी चीज़ें आप चॉप कर सकते हो। तो यस, ये किफ़ायती रहा काफ़ी, तो जितने भी चीज़ें वॉश होने लायक थी उनको मैंने अच्छे से वॉश करके और ड्राई होने रख दिया है। और बस अभी जो है मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू कर दूंगी।
तो आज डिनर हमारा चाइनीज डिनर होने वाला है, तो देसी लंच थाली से हमारा जो है वो चाइनीज प्लेटर रेडी होगा डिनर में। और बहुत ही इजी सी और बहुत ही हेल्दी वे में ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मंचूरियन बना रही हूं मैं, और कैबेज का बहुत बड़ा हेड विकास ये लेकर आ गए थे, और मैंने इसमें से सब्जी भी बना ली है, आज मंचूरियन भी बना लिया है, स्टिल बच गई है। तो इसको मैं क्लिंग रैप में अच्छे से रैप करके फिर से फ्रिज में रख दूंगी, और 1-2 दिन में फिर दोबारा से वो जो संभरो टाइप बनता है ना, आई थिंक प्रोनाउंसिएशन सही हो मेरी, तो वो मैं बनाऊंगी इसका, जो ना एक ड्राई सब्जी बनती है। तो यहाँ पे जो कैबेज है इसको मैंने मोटे मोटे चंक्स में कट कर लिया है। और यहाँ पे कैबेज जो है इसको मैं अच्छे से थरली वॉश कर लूंगी। और वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं है यहाँ की सब्जियों में, आज तक मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई कीड़ा वगैरह मिला हो, बट वही है कि एक आदत होती है कि चीज को अच्छे से क्लीन कर लो, टमाटर काटो तो टमाटर चेक कर लो, बैंगन काटो तो बैंगन को चेक कर लो। तो यस, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके बाद अपना जो नया चॉपर है वो मैं यूज करने वाली हूँ। एंड आई वॉज थिंकिंग कि हाँ बस ये अच्छे से चॉप कर देगा, कोर्सली चॉप कर देगा, बट आई थिंक मैंने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी थी, तो सारा पीसने के चक्कर में मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फाइन कर दिया, और बिल्कुल प्योरे जैसा ये हो गया था। बट एट दी एंड बेटर रहा, क्योंकि अदवी को फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और उसने बहुत आसानी से जो है ये खाया है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, मिनिमम मैक्सिमम करके, और एक इसमें टर्बो वाला भी है, और ये बहुत अच्छे से काम किया, एंड आई वॉज सो हैप्पी। हम लेडीज ना के किचन का कुछ भी सामान नया आ जाए ना, तो बस हैप्पी बर्थडे टाइप ही हो जाता है हमारा, तो इतनी खुशी हो जाती है हमें कि हाँ बस ये कोई नई चीज़, और बस किचन का सामान मिलता रहे हमें, बस हम सातवें आसमान पे रहते हैं। तो किस किस का यही थॉट है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं तो इतनी खुश हो जाती हूँ, एक अगर मग भी आ जाए ना किचन में तो भी बड़ी खुश हो जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे कैबेज जो है वो इसको पीस लिया है, वैसे आप हल्का सा कोर्स इसको रखें तो ज्यादा बेटर है, मेरा थोड़ा सा महीन हो गया था। अब इसमें मैंने ऐड करा है थोड़ा सा गरम मसाला, यस गरम मसाला जरूर ऐड करें, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तभी इंडो चाइनीज बनेगा। और इसके बाद मैंने गार्लिक ग्रेन्यूल्स ऐड करे हैं, आप चाहें तो गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर ऐड करा है, इसके बाद सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और इसके बाद मैं इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर रही हूँ। शुरुआत में मैंने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च बोल सकते हैं, वो ऐड करा है। साथ ही मैंने इसके अंदर आटा ऐड करा था, और आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास मैदा नहीं था तो इसीलिए मैंने नॉर्मल व्हीट फ्लार जो रोटी वाला होता है मैंने वही ऐड किया था। और अगर आपके पास ये कोर्सली पिसी हुई हो ना, तो आप चाहें तो इसका पानी भी स्क्वीज कर सकते हैं कैबेज का, और उसको जब आप मंचूरियन की ग्रेवी बनाएं उसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे स्क्वीज नहीं किया था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी इसमें था नहीं, जब नमक डाला तो हल्का हल्का मुझे दिखने लगा, लेकिन जब मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ये सारे ऐड करे तो उसके बाद फिर वो अच्छे से सेटल हो गया था। तो 3 टेबल स्पून ही भर के जो है वो मैंने यहाँ पे आटा ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके रखा, लेकिन मुझे हल्का सा ये लूज लग रहा था, तो इसमें मैंने फिर थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और ऐड करा था, और फिर इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई थी, लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने और ऐड करा होगा इसके अंदर। तो यू नो मैंने बॉल बना के देखी कि बन रही है क्या आसानी से, तो बन तो रही थी लेकिन थोड़ी सी मुझे लूज लग रही थी कि जब तक मैं दूसरा बैच बनाऊंगी तब तक ये रनी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डाल के इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब मंचूरियन बॉल्स को हम हेल्दी वे में फ्राई करेंगे, तो हम बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारा तेल लेके फ्राई नहीं करेंगे, अप्पे पैन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी जितनी भी कैविटीज़ हैं उनमें आधा आधा चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है, और जैसे ही वो गर्म हुआ है उसमें मैंने बॉल्स बना के ऐड कर दी हैं। तो ना तो फिर बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि ऑयल इतना गर्म हो गया है तो इसको फिर अब क्या करें, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को फिर आप बार बार यूज़ तो कर नहीं सकते कि उसको रीयूज़ करेंगे। सरसों के तेल को ऑब्वियसली आप रीयूज कर सकते हो डीप फ्राई करने के बाद,
लेकिन सरसों के तेल में मंचूरियन का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा, क्योंकि सरसों के तेल की अपनी ही एक खुशबू और एक टेस्ट होता है, तो ये बेटर वे है। यहाँ पे मैंने नूडल्स जो हैं वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए, स्पगेटी है वैसे ये, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ही मैं उसको कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मंचूरियन है ये होने लग रहे थे, फिर मैंने ये जो चूल्हा है ना वो चेंज करा, पीछे की तरफ रखा, क्योंकि साइड वाले फिर काफी देर ले रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो अच्छे से फिर ये सिकने लगे, और बीच वाले ऑब्वियसली जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हीट वहाँ पे सबसे ज्यादा लगती है। और बस जैसे ही ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो आप इनको निकाल लें, और बहुत ही आसानी से बहुत कम ऑयल में ये तैयार हो जाते हैं। एक बार जब मैंने शुरुआत में ना जब चैनल शुरू किया था, तो मैंने इसी तरह से कढ़ी के लिए भी पकोड़े बनाए थे, और ये देखिए अंदर तक बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। तो मंचूरियन बॉल्स हमारी रेडी हो गई है, और बस अब हम कुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉक ले ली है, और अगर आपके पास इस तरह से स्टोनवेयर हो ना उसमें आप चाइनीज बनाए हाई हीट पे, ओ माय गॉड सो डिलीशियस। तो ऑयल ऐड करके उसको अच्छे से गरम कर लिया है, और अब मैं यहाँ पे इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, साथ ही मैंने शिमला मिर्च डाली है और जिंजर गार्लिक की क्यूब ऐड करी है, क्योंकि मेरे पास फ्रेश नहीं था। फ्रेश हो आपके पास तो आप फाइनली चॉप करके वो ऐड करें, और मैंने तो ये व्हाइट अनियन डाल दिया, अगर आपके पास ग्रीन अनियन स्कैलियंस जो होती हैं अगर वो हो तो उसका व्हाइट पोर्शन यहाँ पे ऐड करें, मेरे पास नहीं था, तो जो भी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उन्हीं से ये सारी चीज़ें रेडी करी हैं। तो यहाँ पे इसको हमें अच्छे से भून लेना है, गार्लिक का जो रॉ फ्लेवर है वो निकल जाना चाहिए, तो वो अच्छे से मेल्ट हो गया था। अब हम इसमें सॉसेस ऐड करेंगे, तो सबसे पहले तो 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे, तो उसका भी मैंने 1 टेबल स्पून ही डाला है। और इसके बाद अगर आपके पास चिली सॉस हो तो आप वो ऐड कर लें, बट वही है कि बच्चों के हिसाब से मैं नहीं ऐड करती हूँ, और वैसे भी मेरे पास है नहीं तो मैं ऐड भी कहाँ से करूँगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कैचअप ऐड करा है, ये फ्लेवर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर देता है, अदरवाइज जैसे विनेगर की खटास होती है, सोया सॉस की भी एक खमक सी होती है, तो उसको ये बैलेंस कर देता है। और बस अच्छे से पका लें, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लिया था, और उसमें मैंने ये 1 कप पानी डाल के स्लरी रेडी करी थी, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है, और अब हम इसको चलाते रहेंगे और हमारा एक ये थिक सा मिक्स बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़े से ये चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा तीखे नहीं है और बहुत अच्छे से फ्लेवर को बैलेंस करते हैं। इसके बाद मैंने जो मंचूरियन बॉल्स थी हमारी वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो मैं थोड़ा सा ड्राई साइड पे काइंड ऑफ सेमी ग्रेवी वाला बना रही हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी का बनाना है तो आप कॉर्नफ्लावर की जो स्लरी है वो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बना लें। और बस अब हम इसको 2-1 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। इसके बाद अब मैंने सॉल्ट डाला है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अंदाजा हो गया था कि ग्रेवी कितनी है, तभी मैंने सॉल्ट ऐड करा है। कई बार हम शुरुआत में डाल देते हैं ना, और फिर चीज़ें पकते पकते थोड़ी हो जाती हैं, तो फिर नमक तेज़ हो जाता है उसमें, तो जो नमक है वो बाद में डालें जब आपको पता लग जाए कि हाँ इतनी ही क्वांटिटी है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो मंचूरियन है वो बिल्कुल रेडी है, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बना था। अगेन ग्रीन अनियंस होती ना, तो ऊपर से वो ग्रीन अनियंस डाल के जो गार्निशिंग होती है और जो वो क्रंची टेस्ट आता है दैट इज़ डिफरेंट। तो उसको मैंने डिश आउट कर लिया है, सेम वॉक में यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ नूडल्स बनाने के लिए, और नूडल्स में मैं बहुत सारी टॉपिंग्स ऐड नहीं कर रही हूँ, बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला था और थोड़ी सी अनियन जूलियंस में कटी हुई वो मैंने ऐड कर दी है। काफ़ी कुछ फ्लेवर जो है वो ऑलरेडी कढ़ाई में लगा हुआ ही था। हल्का सा भूनेंगे बस प्याज को, और उसके बाद हम नूडल्स इसके अंदर ऐड कर देंगे, और फिर वही जो सॉसेस होती हैं नॉर्मल हमारी के इसके अंदर सिरका ऐड करना है, साथ ही जो है ये सोया सॉस ये ऐड करनी है। तो ये मैंने आधा आधा चम्मच के करीब, आधा आधा टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया। फिर जब मिक्स करने लगी तो सोया सॉस थोड़ा सा कम लग रहा था, क्योंकि नूडल्स हल्के से डार्क होना तभी अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा सोया सॉस इसके अंदर और डाला। अच्छा, मकसद इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स ऐड ना करने का यही है, क्योंकि मंचूरियन ऑलरेडी हमारा बहुत फ्लेवरफुल और बहुत सारी चीज़ें लिए हुए है, उसमें शिमला मिर्च भी हो गई, कैबेज मेन इंग्रेडिएंट हो गया, तो इसीलिए नूडल्स को हम थोड़ा सा बेसिक रखेंगे। स्वीट चिली सॉस मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ऐड करी है, इसमें आप कैचअप भी डाल सकते हैं। तो ये थोड़े से हम माइल्ड रखेंगे ताकि जो फुल प्लेटर का जो एक फ्लेवर है ना वो बैलेंस रहे,
बस हल्की सी प्याज डाल के और नूडल्स हमें ये भून लेने हैं। और नूडल्स उबालते हुए जो है वो मैंने ऑलरेडी सॉल्ट ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा आप ये प्याज व्याज के हिसाब से ही इसके अंदर ऐड करें। तो नूडल्स हमारे जो हैं वो रेडी हो गए हैं, इसको भी मैं डिश आउट कर लूँगी और फिर से सेम वॉक में यूज़ करने वाली हूँ स्टर फ्राई बनाने के लिए। तो ये है स्टर फ्राई का पैकेट, टेस्को में ये मिल जाता है। इसके अंदर सारी चीजें होती हैं, वैसे तो अलग अलग आप घर पे भी कर सकते हैं, बट ये पैकेट कई बार सस्ता पड़ जाता है तो फिर विकास ले आते हैं। और मेरा मोस्टली यही होता है कि हफ्ते में मैं 2-1 दिन ही डिनर करती हूँ, और वो डिनर भी मेरा स्टर फ्राई ही होता है, अदरवाइज मेरा डिनर होता ही नहीं, क्योंकि लंच जो है वो लेट हो जाता है, 3:30 के करीब होता है, कई बार 4 भी बज जाते हैं, तो फिर मेरा होता नहीं इतना कि मैं डिनर बहुत ज़्यादा करूँ। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं अपना स्टर फ्राई बनाती हूँ, मैं एक्चुअली यही खाने वाली हूँ, बस 1-2 मंचूरियन बॉल ले लूंगी, नूडल्स इसीलिए कम बनाए थे। तो मैंने ऑयल भी नहीं डाला है इसमें, बस स्टर फ्राई मिक्स जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर डाला है, और इसके अंदर स्प्राउट है, कैरेट है, अनियन है, आई थिंक कैबेज भी है इसके अंदर। तो इसी तरह से बहुत सारे स्टर फ्राई मिक्स आता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। प्रोटीन पोर्शन ऐड करने के लिए मैंने इसमें थोड़े से छोले ऐड कर दिए हैं, और ये स्टर फ्राई का पार्ट नहीं होता है, बट मेरे पास पनीर होता है तो मैं थोड़ा सा पनीर ऐड कर लेती हूँ, और अगर पनीर नहीं होता है तो छोले हमेशा मेरे फ्रीजर में होते ही हैं तो मैं वो डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो स्टर फ्राई है वो भी रेडी हो गया है क्विकली, 2-4 मिनट में ये डन हो जाता है। हाई फ्लेम पे आपको कुक करना है, और मैं तो खैर बिना ऑयल के बनाती हूँ, बट अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत ऑयल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें हो गई हैं रेडी, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी बनी थी, और खाते हुए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, एक तो वीडियो भी बहुत लंबी हो रही थी, और फिर ऐसे टूट के पड़े थे ना सब चाइनीज के ऊपर, ये सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और बस खा पी के थोड़ी देर बाहर बैठी मैं, हवा अच्छी चल रही थी, और फिर प्लान बना के चलो वॉक पे चलते हैं। तो हम लोग भी वॉक पे गए, और यहाँ पे आपको धूप दिखाई दे रही होगी अच्छी खासी, तो आजकल 10:30 बजे तक रोशनी बहुत अच्छी रहती है, रात के 10:30 बजे तक। तो हम लोगों का डिनर जो है वो 6:30 बजे तक हो ही गया था, और 7:45 के करीब हम लोग पार्क पहुंच गए थे, फिर ट्रेल पे वॉक करी हमने, और उसके बाद फिर हम घर गए। और यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।